जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बाबा धाम के दूसरे एपिसोड में। चलते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद मिलते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, डुबकी लगाओ बम, राधे बम, डुबकी, राधे बम, डुबकी लगाओ बम। अरे देखिए इधर से एक आदमी निकलेगा, ये अवतरित हो रहे हैं। मॉम ये सब क्या? बक्सर से चल के आए, सुबह 3:30 बजे ट्रेन पकड़े और यहाँ आने के बाद ट्रेन में जानते ही आप लोग कपड़े गंदे हो जाते हैं, कभी वॉशरूम नहीं गए या कहीं भी गए सब कुछ छूत हो जाता है। अछूत कर रहे हैं और हम लोग इसे शिव गंगा जो पोखरा है इसमें से पवित्र कर रहे हैं। रेडी 1 2 3। ये सब कुछ लोग हैं जो रस्सी में चुंबक बांध के फेंक रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं जितने लोग हैं। 1 2 3। बोल बम, बोलो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये शेयर। हम लोग जल का संकल्प करा लिए हैं बाबा से और यहाँ सब निकल रहे हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर की तरफ। भैया मिले हैं, संकल्प कराते समय जहाँ पे संकल्प कराते हैं वहीं पे हम लोग का बैग रखा गया है पंडित जी के पास जो यहाँ के पंडित थे, और अपना एक जल लेके हम लोग जा रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए और एक जल वहीं पर रख दिए, जब बासुकीनाथ जाएंगे तब चढ़ाएंगे। बोल बम, बोल बम, देख सकते हैं ये बम जी का जो पैर है भाई साहब का लंगड़ा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये पैदल चल के आए होंगे। आप भी आ सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद और साथ मिल के जल चढ़ा सकते हैं। बाबा की कृपा, बाबा को मानिए और खुश हो जाइए। बोल बम, 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 बोल बम। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर लगभग 5-6 किलोमीटर की लंबी लाइन का सफर आपको तय करना ही पड़ता है। प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसकी वजह से पूरा गोल गोल राउंड करवाया जाता है और लंबी लाइन हो जाती है और मंदिर में आराम से प्रवेश कर पाते हैं लोग। लगभग 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, ये बता रहे हैं टोटल लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर ये इतना लंबा राउंड कर करके बैरिकेडिंग ना किया गया होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है एक ही जगह पे, इसलिए लोग घूमते रहते हैं और इसकी वजह से भीड़ कम हो जाती है मंदिर के एंट्री द्वार पे और आराम से दर्शन हो जाते हैं। इसी रोड से हम लोग आते हैं और इधर से लगभग जाके और 5-6 किलोमीटर राउंड करके फिर वापस आते हैं। भीड़ में से जाते हुए जैसे जैसे मंदिर के करीब हम लोग पहुंच रहे थे सब लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब लोगों का जोश बढ़ता जा रहा था। बोल बम का नारा जो है सब लोग लगा रहे थे एकदम जोर जोर से, चाहे वो पुरुष हो या चाहे कोई महिला हो। मंदिर की एकदम नज़दीक हम लोग पहुंच चुके थे क्योंकि आप लोग साइड से देख सकते हैं कि मंदिर पूरा दिखाई दे रहा था और नीचे पूरा एकदम बहुत ज़बरदस्त वाली श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी और उसको देख के हमें काफ़ी खुशी हो रही थी कि
हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, नीचे आ चुके हैं, सारी सीढ़ियों को और सारे जो भी हॉल थे वेटिंग हॉल सबको पार करके देख सकते हैं सामने ही मंदिर है। बाबा के दर्शन हो चुके हैं, जल चढ़ा चुके हैं हम लोग। हर हर महादेव। मंदिर में जल चढ़ाने के बाद बाहर आ गए और बाहर आने के बाद घर भर के लिए और सबके लिए प्रसाद ले लिए हैं। घर जाएंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। किया करके आ गए हैं और अपना सामान भी ले लिए हैं। अब हम लोग निकलेंगे बासुकीनाथ के लिए, तो चलते हैं बासुकीनाथ। हाँ, हम दो बार आ गए। अच्छा, हम दो बार आ गए। इनके यहाँ ही हम लोग अपना सामान रखे थे। यहाँ पे अच्छा खासा मेला भी मिल जाता है, सावन का मेला। आप यहाँ पे आते हैं तो पूजा से रिलेटेड और ज़रूरतें, आम ज़रूरतें जो भी हमारी होती हैं, कपड़े, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह के माला हैं, बर्तन है, ज्वेलरीज हैं, पूजा पाठ से संबंधित ज्वेलरी है, सब कुछ है अवेलेबल। अच्छा खासा मेला है, आप यहाँ आके मेले का भी आनंद उठा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बाहर आने के बाद हमें बस मिल गई है, जो बस बासुकीनाथ जाएगी और यहाँ से पर पर्सन 70 रुपये है। और एक और ऑप्शन है, बस के अगर ऊपर आप चढ़ के जाते हैं तो पर पर्सन 50 रुपये है। देख सकते हैं ये बस है, प्राइवेट बस सर्विस है जो बासुकीनाथ जाती है। तो चलिए चलते हैं बासुकीनाथ और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। इतना ही लो, उतना पैदल जाएगा। इसको खिड़की पर दीजिएगा, इसको बस लगता है। खिड़की कहाँ बना? हम लोग का प्लानिंग चेंज हो गया हमारा ऑफिस का, हम लोग जा रहे हैं ऊपर बस के ऊपर से आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मजा आएगा ये सोच के हम लोग बस के ऊपर जा रहे हैं। चलिए बम अखिल बाबू चढ़िए। चलो जगह बनाओ, चलो चलो चलो। अब ठीक है? अरे बम, आप तो एकदम पूरा फेस आए हैं, इसीलिए तो ऊपर आ गया हम इसीलिए भाई आए मजे के लिए। बोलता है नीचे 70 रुपये। अंकल जी बोल बम, बोल बम, बोल बम, टोपी बम। बाहर जाएंगे तो एक तार लग जाएगा, जिस प्रकार किसी को चोट लग जाएगा। बोल बम, उस समय तो आप उसको रखिए, अस्थिर रखिए हाथ। गमछा बम, बोल बम, अब तो हंस लो यार, इतने लोगों को बैठा दिए। हिल रहा है, अरे हिल रहा है, चलाता है, हिल रहा, हिल रहा, वीडियो पकड़ा चला। इनका चलान करो पहले। कोई दिक्कत नहीं है, गिनती कर लिया। ए भाई, तुम बस गाड़ी छोड़ता है क्या? चलेगा नहीं उसको भी नहीं, तो मजा कहाँ आएगा, बैठो ना यार। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। और चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बासुकीनाथ पूरा बस के ऊपर से बैठ के यात्रा दिखाऊंगा और ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।